हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर में लेकर आया हूँ। दो बड़ी खबरें हैं आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से रिलेटेड ही दो खबरें हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू उसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसी बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2022 से ऐतिहासिक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा 5 से 6% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये सभी जो आंकड़े हैं आपके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो की तरफ से जारी किए जाते हैं, वहीं से जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। हालांकि अभी जो है 2 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो आना बाकी है। जैसे ही वो आ जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है 5% तक बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप सभी को पता है कि सरकार जो है अभी आपको 34% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अभी आपको प्रोवाइड करा रही है, लेकिन अगर इसमें 5% से 6% की बढ़ोतरी होती है तो आपको 39 से 40% तक की महंगाई भत्ता के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। हालांकि आपको बता दूं मैं कि इससे पहले जो है अभी तक 3 से 4% तक ही महंगाई भत्ता बढ़ा है, लेकिन अगर 5% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी होती है तो ऐसा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि इसी बीच जो है 18 महीने के डीए एरियर्स है उस पर एक अच्छी खबर नहीं है। इससे पहले कि स्कोवा की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो 18 महीने का डीए एरियर्स था उस पर अभी जो है बहुत ज्यादा स्थिति साफ नहीं हो पाई है। आगे आने वाली कैबिनेट बैठक में या कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की यूनियंस और फेडरेशंस हैं वो इसके रिगार्डिंग लगातार बातचीत कर रही हैं। आगे जो भी इसमें ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको जरूर बता देंगे। इसके अलावा जो है आप सभी चाहते हैं कि आपका 18 महीने का डीए एरियर्स आपको मिले तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। उसके अलावा जो है जुलाई 2022 से आपके 5% महंगाई भत्ते पर जो है आगे आने वाले दिनों में कभी भी मुहर लगेगी, क्योंकि 2 महीने का भी जो है डेटा आना बाकी है। जैसे ही वो डेटा आ जाएगा तो आपको 2 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आने के बाद आपको 5 से 6% महंगाई भत्ता प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।